अगर किसी को
देखता, दुख में देखता, अपने अंग वस्त्र से दान कर देता, किसी भूखी को देखता, अपने मुख का निवाला उसे दे आता। ऐसे थी हमारे नंद से गंगा राम की लीलाएं। गंगा राम को अभी आपने गोद में देखा, लेकिन वही गंगा राम, मन सा गंगा राम, 5 बरस का अपने माँ लक्ष्मी जी के साथ हंसता खेलता। अरे मेरे को छोड़ के तुम आगे आगे क्यों जा रही हो? अरे आजा लल्ला आजा, तू पालकों के साथ बाहर खेल रहा था और देख मैंने तेरे लिए यहाँ कई तरह के पकवान बनाए। नहीं माँ, मुझे ना हमारे दोस्तों के साथ, हमारे मित्रों के साथ खेलने जाना है। लेकिन लल्ला पहले भोजन कर ले, फिर जितना चाहे खेलते रहना। नहीं माँ, मुझे जाने दो ना माँ। अच्छा मैं तुझे डोरी सुनाती हूँ और अपने हाथों से भोजन भी कराती हूँ। अब तो ठीक है, तुम मुझे लंगली चुनाओगी? चुनाओ माँ। कौन सी लंगली? मेरी इन आँखों का तारा है तू, मेरी इन आँखों का तारा है तू, मैया का राज दुलारा। आप धन्य, राजकुमार आप धन्य।
मेरे अपने अपने आप हर गया। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा राजकुमार, कभी नहीं भूलूंगा। लल्ला, इतनी छोटी सी उम्र में तुझे कितना सारा ज्ञान। अवश्य अवश्य तू कोई देव पुरुष है। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है माँ, ये आपके संस्कार के परिणाम है माँ, आपके संस्कार के परिणाम है। गंगाराम, सबके मन की जानता है तू, तो दिल दुखी को पहचानता है तू, तो छोटी सी उम्र में ही इतना तुझे ज्ञान है, बड़ा ही दयालु मेरा बेटा गंगाराम है, बड़ा ही दयालु मेरा बेटा गंगाराम। लक्ष्मी जी ने घर आंगन में भगवान विष्णु का
व्रत उद्यापन अर्थात सत्यनारायण व्रत कथा का उद्यापन रखा है और दिन है बृहस्पतिवार संध्या 5 बजे। पूरे दिन मेरी पत्नी व्रत रखेंगी, भूखे प्यासी रहेंगी, बस शाम को अवश्य पधार जाइएगा बृहस्पतिवार संध्या 5 बजे, याद रहेगा ना। अरे जटवार, इसमें भी बड़ी कम सी बात है, आपने बताया और मैं आ जाऊंगा। आपने कहा कि शनिवार संध्या, अरे नहीं नहीं पुरोहित जी, शनिवार नहीं बृहस्पतिवार संध्या 5 बजे। गंगाराम की माता लक्ष्मी जी ने व्रत उद्यापन रखा है सत्यनारायण भगवान का और आपको पधारना है बृहस्पतिवार संध्या 5 बजे। मुझे भी अच्छा, मुझे याद हो गया, आप जाके अवश्य पधारिएगा। श्रीमन नारायण नारायण और उत्सव का टाइम कितने बजे था? 5 बजे। और आप लेट क्यों आए? पहले कैसे? अरे मेरा सौ आ गया, बाबा का आशीर्वाद आपको पहले माना। एक बार जितने प्रेमी अपने हाथ खड़े कर लो मिलकर, श्रीमन नारायण नारायण सत्यनारायण की पूजा अर्चना वंदन कर रहे होते हैं और उसी समय पंडित जी का इंतजार, पंडित जी की उपेक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। लक्ष्मी जी, भगवान सत्यनारायण की कृपा से, श्री कृष्ण की दया से हमारे घर में सब मंगल ही मंगल हुआ। गंगाराम के आगमन से मानो हमारी मोदीगढ़ की हवेली चारों ओर परिलक्षित हो रही है। ऐसा लगता है कि कोई दैवी पुरुष का आगमन हमारे घर आंगन में हुआ है। हाँ सर, बड़ा ही सौभाग्य जो आज हमने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का उद्यापन किया। सब सब नारायण की कृपा है, सब नारायण की कृपा है। परंतु स्वामी, पंडित जी अभी तक नहीं आए, समय होता जा रहा है पूजन का। इधर पंडित जी आज के तिथि को, आज के दिवस को, आज के समय को भूल चुके हैं, वो तो कल के इंतजार में किसी दूसरे गांव चले गए। स्वामी, सुबह से भूखी प्यासी बैठी लक्ष्मी। स्वामी क्या हुआ, पूजा का मुहूर्त निकला ही जा रहा है, मुझे तो भय लग रहा है। आपने अपने सही समय तो बताया था ना। हाँ, मैंने पंडित जी को बृहस्पतिवार संध्या 5 बजे अभी का समय दिया था, राजा ने कहा है। स्वामी अगर ये मुहूर्त बीत गया तो बड़ा ही अपमान होगा, नारायण की पूजा अधूरी नहीं रखी जा सकती। मुझे तो बड़ा ही भय लग रहा है स्वामी, कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए। माँ, अरे ओ माँ, बापू जी क्या हुआ? बापू जी लल्ला, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, मैंने सुना कि आप पंडित जी को बुला रहे हैं। अरे हाँ लल्ला, लेकिन न जाने पंडित जी कहाँ रह गए, कहीं हमारी पूजा अधूरी न रह जाए, भगवान की ये कथा अधूरी न रह जाए, कहीं कोई अपशकुन कोई अनर्थ ना हो जाए। लल्ला, आप व्यर्थ की चिंता कर रही हैं, बस चिंता छोड़ दीजिए, मन मैं बुलाऊंगा पंडित जी को, मैं बुलाऊंगा पंडित जी। अरे ओ पंडित जी, पाया का ना पाया मैं पार, दुनिया के दुनिया।
क्यों कर रहे हैं? जोधारा जी, मैं ऐसा लगा कि मैं कहीं भटक गया हूं। अचानक मुझे कोई आवाज सुनाई देने लगा। मेरे कानों में एक आवाज गूंजने लगी और मेरे पांव अचानक ही इस ओर चले आए। अवश्य वो कोई दैविक आवाज थी जो मुझे इस ओर खींचने लगी। मैं आपकी पूजा सपोर्ट कराने आया हूँ। लेकिन पंडित जी, एक बात समझ में आई। निमंत्रण तो मैंने आपको दिया था, लेकिन ये खबर दत्ता ने आपको कैसे ज्ञात हुई? जोधाराम जी, आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, वो तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी। सबके हृदय की बात जानता है, वो तो सबके मन की बात जानता है। जोधाराम जी, आपके आंगन में किसी साधारण बालक ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान नारायण ने उतार लिया है। जिसके सर पे हाथ फिरा देने मात्र से, जिसके स्पर्श कर देने मात्र से, जिसके चरणों के धूलि से बड़े पापी भी तर जाते हो, भला मैं उस गंगाराम को क्या आशीर्वाद दूंगा? आज तो मुझे इस गंगाराम के चरणों को थाम लेना चाहिए, उसके चरणों की धूलि लेना चाहिए। जय हो गंगाराम, जय जय हो गंगाराम। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय। तेरी माया का ना पाया मैंने पार, बिना तेरी धूनी चाहे। तेरी माया का ना पाया मैंने पार। इधर पंडित जी पूजन विधि कराते हैं, लेकिन आपको बताऊं भक्तों कि आखिर गंगाराम ने क्या चमत्कार दिखाया? सर्वप्रथम बाल स्वरूप में उन्होंने अपने माता पिता को भी दर्शन दिया, बाल विष्णु रूप में। कैसे? जन्म लिया तब माता पिता को विष्णु रूप दिखाया, जन्म लिया तब माता पिता को विष्णु रूप दिखाया। लेकिन माता पिता ने जैसे ही देखा कि भगवान विष्णु चढ़ते हैं, कि बालक कोई साधारण बालक नहीं, उनके चरणों पकड़ने लगे। लेकिन प्रभु ने क्या किया? पल भर में समेट ले फिर तो अपनी दैविक माया, कलिमधारी बन के आए, परंतु उन्होंने अपने रूप को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं किया। माता पिता भी विस्मित हो गए कि मैंने किसे देखा, मेरे आंगन में कौन आया? क्योंकि आप अगर पहचानते हो तो एक बार हाथ खड़े कर ले और मेरे साथ बोले, जय हो बाबा गंगाराम तेरी लीला पूरी जाए, जय हो बाबा गंगाराम तेरी लीला पूरी जाए। पर्दा डाल दिया कोई लीला ना पहचाने,
कलयुग में जाएं या त्रेतायुग में जाएं या कलयुग में आए। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, कितने लोग बाबा जी की गाथा देखने सुनने आए, एक बार जो दोनों हाथों को उठा के बोलिए गंगाराम बाबा की। कई बार क्या होता है बड़े कि समय होते हैं घड़ी में 8:30 बजता है तो लगता है अब प्रसाद पा लेना चाहिए, चलना चाहिए, है ना। ऐसे कहने और करने कितने लोग आए हैं, यानी कि आवाज भी बड़ी स्पष्ट पहुंच रही, साउंड अच्छा चल रहा है, सब समझ पा रहे क्या कह रहा है। तो चलो आज बाबा की महिमा, आज स्वर मधुकर आपको बताएंगे किस प्रकार से, और सच्चाई बताऊं इस बात को, इस कथा को, रविवार 1:25 आस्था टीवी के माध्यम से देखना ना भूले, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में इस कथा को दिखाया जाए, और एक दिन ही नहीं हर रविवार 1:25 अपने मोबाइल में 1:20 पे अलार्म लगा लें, और रविवार का दिन होना चाहिए, और टीवी का चैनल ऑन करें और देखना ना भूलें। दूसरा, अगर वहां मिस कर जाते हैं बाबा गंगाराम के भजनों को, बाबा गंगाराम के चमत्कारों को, तो अपने YouTube चैनल को ऑन कीजिए और लिखिए बाबा गंगाराम भजन। सौरभ मधुकर आप सबों के लिए बाबा गंगाराम के और भी अद्वितीय भजन प्रस्तुत करने वाले हैं, कर रहे हैं। बाबा के प्रति जितनी भी भक्ति भावना आप सबों के हृदय में विराजमान की जा सके, हृदय के हृदयेश्वर को हृदय में विराजमान करके अपने मुखारविंद से कहिए जाओ राम मंगलम गंगाराम मंगलम। समय के करोड़पति मोदी परिवार, मोदी गढ़ का वो हवेली, वो महल, वो राज के ठाट पर आपको ज्ञात है कि राम ने 14 का वनवास क्यों स्वीकार किया, उन्होंने खुद प्रेरणा दी, माता कैकेयी ने मांग लिया 14 का वनवास, और 14 के वनवास में प्रभु भक्तों के उद्धार के लिए दर दर भटकते हैं अपनी भक्ति को लेकर के। वैसे ही बाबा गंगाराम इस कलयुग अवतार में विष्णु अवतार निकल पड़े। आपको ज्ञात होगी राम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्म, कृष्ण मथुरा में जन्म हुआ, उसी प्रकार उसी भूमि पर पुनः अपने इस अवतार को दर्शाने हेतु, सफल बनाने हेतु बाबा गंगाराम उन वैभव को परित्याग करके निकल पड़ते हैं कल्याणी नदी के तट पर। वो कल्याणी नदी जो कि किसी जमाने में कौशल प्रदेश नामक एक ग्राम, जिसे सफदरगंज नामक ग्राम कहते हैं, कौशल प्रदेश नहीं जानते ना, उस समय कहा जाता था, आज इसी कौशल प्रदेश को उत्तर प्रदेश कहते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश का 12 जिला आज इस नाम से जाना जाता है। उस नाम पे जोगी सन्यासी का वेश धारण करके बाबा गंगाराम अपने स्वतः प्रस्थान कर जाते हैं वीरान पड़ी हुई नदी, जिसे कल्याणी नदी कहते हैं, वीरान पड़े हुए पतझर पेड़। क्या हुआ जब बाबा गंगाराम आते कि कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं,
दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण अपने हृदय में शंकर भगवान का ध्यान करते हुए उसी कल्याण नदी के वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाते और उन्होंने ध्यान करना हरिओ देख भी नहीं
चरण छूना चाहती हूँ, एक बार आपके दर्शन करना चाहती हूँ, एक बार अपनी आंखों से आपको देखना चाहती हूँ बाबा जी, एक बार आपको देखना चाहती हूँ। कौन कहता है कि तुम देख नहीं सकती? अपने मन की आंखों से देखो, ये नदिया जिसने कलना करती हुई धारा है, ये वृक्ष जिसमें लगे हुए पत्ते, ये पक्षी जिसकी चर्चा सब देख सकते हो तुम। अगर आपके दर्शन हो गए और मेरे प्राण भी निकल गए तो मुझे जीना होगा, केवल एक बार आपके दर्शन करना चाहती हूँ। अवश्य तुम देखोगे, तुम देख सकते हो, आंखों को बंद कर सकते हो। Jai Ganga Ram, 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 Jai
दो किसकी जय जयकार लगा रहे हो तुम सब। हे कपाली दादी जी, आपको पता ही हमारे इसी कल्याणी नदी के तट पर एक दैनिक पुरुष पापा गंगाराम आए हैं। देखिए देखिए, मैं लूटा था, मैं देश था, लेकिन बाबा ने मुझे अपना लिया। मेरे संपूर्ण शरीर के रोगों को दूर कर दिया। जय गो बाबा गंगाराम। बड़ा ज्ञान देता है इस कौशल प्रदेश में मुझसे अधिक ज्ञानवान, मुझसे अधिक तपस्वी और कोई नहीं है। और नहीं तेरा बंगाराम कोई योगी है, कोई सन्यासी है, कोई महात्मा है, कोई अवतार है क्या? बाबा जी, वो कोई योगी नहीं, सन्यासी नहीं, वो तो सहंग अवतार है। हमारी हमारी सखी जो देख नहीं सकती थी, देखिए कि अपने आंखों से देख सकती है। ये नदी जो 12 महीने सूखी रहती थी, अब इससे चले है कि वो भी महान नदी। कहीं महान नदी चमत्कार है बाबा, कहीं महान नदी चमत्कार। विष्णु अवतारी गंगाराम, मैं भी तो देखूं कि कौन है ये गंगाराम। ले चला मुझे उसके पास, अगर वो चमत्कारी है तो मेरे समक्ष एक पल ही रुक कर दिखाए तो मैं मानूंगा कि उसमें कितनी शक्ति है। चलो ले चलो मुझे। जय गंगाराम, जय जय गंगाराम, 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 जय गंगाराम, जय गंगाराम, जय गंगाराम। जिस रास्ते से गुजरे तर्पण करते हैं और अपने हाथों से सूर्य देव को जल समर्पित करते हैं। ये तो स्वयं ही पूजा कर रहा है, ये तो स्वयं ही भगवान की आराधना कर रहा है। इस कौशल प्रदेश में मुझसे बड़ा योगी, तपस्वी, आंतरिक भोले भाले भक्तों को पाखंड करके अपने वशीभूत करना चाहता है। अभी इसे कल्याणी के इस जल से मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे
विष्णु रूप की छाया चल धारा में दिखलाया, कोई जान न पाया ये कोई समझ न पाया। एक बार बाबा के दर्शन करने वाले एक भी हाथ नीचे न हो, अपने हाथ खड़े कर ले, क्योंकि अपने शरीर का
त्याग किया, समाधि ली उस वट वृक्ष के नीचे। जैसे ही अपने शरीर को बाबा ने त्यागा, उस क्षण समस्त वट वृक्ष के पत्ते झड़कर जमीन पे गिर पड़े। एक पत्ता करुण तंत्र कर रहा हो, उबार कर रहा हो, उसकी आंखें बरस रही ऐसी। जिस स्थान पर बाबा विराजमान रहते थे, आज भी उस स्थान को भक्त वट वृक्ष के नाम से जानते हैं। देखो सर, वट वृक्ष के नाम से उसे जाना चाहता है। बारा बंदी स्थित उस स्थान पर रात भी जाया, दर्शन करके आया, और आज की तिथि में बाबा गंगाराम का मंदिर झुंझुनू जिले के झुंझुनू में पंचदेव मंदिर के रूप में विराजमान है। तो आइए इस कथा को आप सबके सामने बताऊं, कैसे लगन लगी
तभी अचानक उस राह उनके मन में उनके स्वप्न में बाबा गंगाराम का सपना आवेश होता है और वो व्याकुल हो उठते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे देवकी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अपना कर्तव्य पूरा करो देवकी। मैं क्या देख रहा हूँ? अपना कर्तव्य पूरा करो। ये जन्म जिस उद्देश्य के लिए हमारा उसे पूर्ण करो। जाओ जाओ मत्स्य प्रदेश में झुंझुनू नगर में मेरे पंचदेव धाम का निर्माण करो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जागो देवकी जागो, देखो तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हारा कर्म तुम्हें बुला रहा है। उठो देवकी, ये मेरा आदेश है, ये मेरा वचन है। जागो देवकी, अपने कर्तव्य पथ पर जागो देवकी, मंदिर का निर्माण करो देवकी। ये मैं क्या देख रहा था? आपका ये तुच्छ भक्त बाबा आपके इस आदेश को कैसे पालन करेगा? कौन मानेगा कि आप मेरे स्वप्न में आए थे? कौन मानेगा कि आपने मुझे मंदिर निर्माण का आदेश दिया है? ये कैसा स्वप्न आदेश है देवकी, कैसा स्वप्न आदेश है? ये मन में देवकी के गूंजने लगा।